Hi everyone, welcome to the review of Nazi Expects Latest Man 2021 Mario Basis. अस्सलाम वालेकुम बस, दिस इज मी फैजान, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ एक नई बस में, आप देख रहे होंगे पीछे बस की सीट्स के ऊपर ये कवर चढ़े हुए हैं जो कि सबूत दे रहे होते हैं कि एक नई बस है। तो आज मैं आपको एक नई बस का रिव्यू दूंगा जो कि नियाजी एक्सप्रेस 99 ग्रुप की है। इन्होंने पाकिस्तान में, आपने पहले भी देखी होंगी, मान बसेस चल रही हैं, तो इनकी नई डबल क्लास मान बसेस पाकिस्तान में आ चुकी हैं जो कि काफी एक लग्जरी और महंगी बस है। तो इसका आज आपको डिटेल में रिव्यू करवाऊंगा और बस की जो सीट्स हैं, बस की जो रूफ है, ये काफी स्पेशल है। तो वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा। पैसा बस, ये जो बस है ये MAN किंग लॉन्ग की एक जॉइंट बस है, ठीक है। यहाँ पे आपको दोनों कंपनीज की तरफ से इस बस के अंदर प्रोडक्शन मिलती है। तो ये बस आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मैन की है या सिर्फ किंग लॉन्ग की है, इस पर आपको किंग लॉन्ग की ब्रांडिंग मिलेगी और MAN की भी मिलेगी। तो कुछ शेयर जो है वो MAN को जाता है, तो ये एक जॉइंट बस है। ये बस वैसे ही काफ़ी प्यारी है, लेकिन नियाजी एक्सप्रेस ने जो इसमें येलो कलर का टच दिया है वो इस बस को मज़ीद खूबसूरत बना रहा है और काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग बस बन रही है। तो इस आज मैं इनकी बसेस को विज़िट करने के लिए आया था, तो ये अभी बस को अपनी टर्मिनल से वर्कशॉप पे लेके जा रहे हैं क्योंकि इसका अभी कुछ काम जा रहा है। तो अभी ये ऑपरेशन होने वाली है इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में। तो यस, आए इसके इंटीरियर को रिव्यू करते हैं। तो अंदर से इसका इंटीरियर बहुत ज़्यादा VIP है। इस बस की स्पेशली एक खास बात यह है कि इसकी सस्पेंशन काफ़ी अच्छी है, तो अगर आप रोड पे जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ये एक ऐसे लग रहा होता है जैसे आप अपनी कार पे ट्रैवल कर रहे हैं, और काफ़ी आरामदायक पुरसकून माहौल होता है इस बस के अंदर। इसकी लाइटिंग बहुत प्यारी है। तो यस, इस बस की सीट्स के कम्फर्ट लेवल के बारे में आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं, इसके अंदर बंदा एडजस्ट काफ़ी आराम से हो जाता है। और इसके अंदर जो हमें फीचर्स दिए जाते हैं सीट्स के अंदर, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूं, तो ये दोनों साइड पे आर्म रेस्ट मिलते हैं जिससे आपके बाजू नहीं थकते, हाथ नहीं थकते, लंबा सफ़र हो आप आराम से इसको रेस्ट दे के जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये एक बटन मिल रहा है आपको काफ़ी प्यारा सा, इसको आप रेस्ट करेंगे तो सीट रिक्लाइन हो जाती है। ये आप इसको काफ़ी पीछे तक लेके जा सकते हैं, तो काफ़ी ये देख लें स्पेस हो जाती है। तो कैमरामैन को कहूँगा मेरी लेग स्पेस दिखाएं यहाँ पे आगे, तो ये टांगों के दरमियान भी इसमें मतलब स्पेस सही है। यहाँ पे आपको फुट रेस्ट भी मिलता है जिससे आपके पैरों को भी रेस्ट मिल जाता है, तो काफ़ी कंफर्टेबल बस है। बाकी सर को काफ़ी अच्छी टेक मिल जाती है और सीटें बड़ी नरम है, किस्म की काफ़ी अच्छी सीटें हैं। तो भैया, इस टाइम मेरे साथ मौजूद है नियाजी एक्सप्रेस के एक सीनियर एम्प्लॉई, तो इनसे इनकी नई बसेस के बारे में कुछ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक, शुक्रिया। अच्छा सर, हमें पता चला था नियाजी एक्सप्रेस की 99 ग्रुप की कुछ नई बसेज आई है, तो पहले तो हमें बताए ये बसेज कौन सी है? ये मान बसेज है। सही, और ये कितनी बसेज नियाजी एक्सप्रेस वाले लेके आए हैं? ये 5। अच्छा, आजकल हम ये बसेस बड़ी देख रहे हैं पाकिस्तान में, बड़ी मशहूर चल रही हैं, तो काफ़ी महंगी बसेस भी हैं। पहले तो हमारी व्यूअर्स को बताइएगा कि इसकी कीमत कितनी है इस बस की? इस बस की कीमत है कम से कम 5 करोड़ की, मतलब ये काफ़ी महंगी बसेस है। मतलब देखा जाए यूटोंग तकरीबन 2.5 करोड़ 2.60 करोड़ के करीब आती है। तो और बाकी ये बस कौन से रूट पे चलेगी? ये चलेगी जी मानसेरा और उसके बाद मरी के लिए। और सीटों के बारे में काफ़ी तारीफ सुनी है मैंने, इस तरह की एक और बस पे सफर भी किया तो काफ़ी मज़ा आया था। तो बहुत प्यारी है। अच्छा, सीटें मतलब कम्फर्टेबल हैं? बहुत अच्छी है, आप एक दफा सफर करें आपको मजा आएगा। इस बस के अंदर कितनी सीटें हैं टोटल? इसके अंदर 49। अच्छा, नियाजी एक्सप्रेस वाले भी इसमें हर सीट का टैप देते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, और दिखाएं। अच्छा, हर सीट के साथ टैप मिलेगा। सही। और इसके अलावा इस बस की ये
छत के बारे में बताएं, ये छत के बारे में आप देखिए कितनी प्यारी प्यारी लाइटें हैं, ऐसे हैं जैसे आसमान में खड़े हैं। जी जी, सफर करने का बहुत ही मजा आएगा। हाँ, ये चीज रात को आप सफर करें तो बड़ी अच्छी लगती है। जी, आप एक दफा सफर करें बहुत मजा आएगा। अच्छा, तो ये बसेस अभी तो देख रहे हैं, इस पे रैपर्स यहाँ पर भी चढ़े हुए हैं, ये चलेंगी कब? ये इंशाल्लाह मंडे को। अच्छा, चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। तो यस, ये नई बस आई है मार्केट में, तो मुझे बिलाल ड्राइवर के एक ड्राइवर मिले थे इस बस के अंदर, जो कि इस बस को विजिट करने आए हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इनको ये बस कैसी लगी है। तो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, आपको ये बस पहली नजर में कैसी लगी है? माशाल्लाह, मान गाड़ी जो हमारी कंट्री में पाकिस्तान में फर्स्ट एंड पहली दफा मुतारफ की गई है। जी जी। ट्रेवल के अलावा हमारी कंपनी न्याजी ने भी अब तकरीबन लॉन्च की है। सही। इंशाल्लाह ये पैसेंजर के लिए बहुत कंफर्टेबल भी है और वर्कर के लिए भी बहुत अच्छी है। अच्छा, रोड कंडीशन बहुत इसकी ग्रिप अच्छी है। और आपको कंफर्ट वाइज कैसी लग रही है सीटें इसकी? तकरीबन इस बस के मुनासिबत से कोई ऐसी लग्जरी बस नहीं बनी पाकिस्तान में जी जी, जो इसके मुकाबला कर सके। जी सही है। और इसकी पैसेंजर लुक के हिसाब से और ड्राइवर लुक के हिसाब से बहुत कंफर्टेबल बस है। सही, लिहाजा ये बहुत अच्छी है। सही, मतलब आप इसको 10 में से कितने नंबर देंगे? तकरीबन ये 10 से मेरा अगर चांस हो तो इससे बबली है। अच्छा सही, चले थैंक यू सो मच फॉर टाइम। थैंक यू।